हाफिज कुरान जो लोग होते हैं ये बड़े शरारती से होते हैं, लोग कहते हैं बड़े तेज होते हैं, तो आप भी हैं? यार देखो मैं भी हाफिज कुरान हूँ सैयद हूँ, हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान सैयद है, तो हम मासूम लोग वो भी मासूम मैं भी मासूम। खान साहब ने हमें खुद ही सिखाई है दिलेरी से गई, खुद ही या खुद ही का बड़ा मुकाम है। हाँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर मुकाम से, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाय हाय हाय। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आप गलत मुल्क में पैदा हो गई हैं और वहाँ पैदा हुई हैं जहाँ सवाल नहीं पैदा होता? शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया? शादी से पहले भी बहुत मजा आता था, अभी बहुत मजा आता है। हंसती क्यों है? मैं ऐसे बदल मतलब खा गए हो, आपको बहुत मजा आया यार, हंसना मना तो नहीं है ना। आप दरवाजा खोल के क्यों नहाते हैं? नलका बंद करके नहाया करें, जिस्म गीला नहीं होता। कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है हरीम? मैं पूरी 12 12 कर लेंगी, पैदा कर लूँ। ये होंगे कब? ये अभी शुरू कर दें तो फरिश्ता आपको साइकिल पे बांग्लादेश ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत पिंक पिंक होंठों वाली, ब्राउन आंखों वाली, खूबसूरत तीखा नाक और बालों में खूबसूरत स्ट्रिकिंग, इसको एक पूरा जो है ना वो एक बना रही है चाहत फतेह अली खान। कैसी है? इतना प्यारा इंट्रो दे के आवाज में मिला है चाहत फतेह अली खान। यार वो इतना प्यारा है, अच्छा क्यूट है। एक मूवी है जिसमें आपको एक चांस दिया जा रहा है, रोमांटिक मूवी है, लव स्टोरी है, इमरान हाशमी या चाहत फतेह अली खान, दोनों में से किसको चूज करें? इमरान हाशमी। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है इमरान हाशमी। इमरान हाशमी का क्या पसंद है? वो रोमांटिक है, मैं खुद भी रोमांटिक हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो आपके बारे में कहते हैं कि हरीम शाह बड़ी बोल्ड लड़की है। यस आई एम। हरीम शाह असल में बोल्ड है या नहीं, क्योंकि आपने हिफ्ज भी किया हुआ? जी बिल्कुल, मैंने हिफ्ज किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब हाफिज़े कुरान जो लोग होते हैं ये बड़े शरारती से होते हैं, लोग कहते हैं बड़े तेज होते हैं, तो आप भी हैं? यार देखो मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ सैयद हूँ, हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज़े कुरान है सैयद हैं, माशाल्लाह, तो हम मासूम लोग वो भी मासूम मैं भी मासूम। आप अक्सर ये कहती हैं कि ये जो लोग हैं सियासतदान हैं ये असल में वैसे हैं नहीं जैसे नजर आते हैं। ये सच है यार, मतलब जितने लोगों से मैं मिली हूँ मैंने देखा उनकी लाइफ को, देखा कितने बड़े बड़े भाषण देना। आपने फिर उनकी वीडियोस क्यों बनाई हैं? आप ये भी क्लेम करते हैं कुछ की वीडियोस आपके पास हैं। यार जिनकी वीडियोस मैंने बनाई थी वो वीडियोस में सामने भी तो लेके आई थी ना। लेकिन वैसे अच्छी बात है मैडम, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। गलत बात नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है वीडियो बनाना। ये खान साहब के बारे में भी कहते हैं, पता नहीं सच्चा या झूठा इल्जाम है, कि ये इनकी भी कुछ वीडियोस हैं, तो वो आपने बनाई है? नहीं नहीं, खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लिए इंस्पायरेशन है और मैं उनकी इत्तेबा करती हूँ। मुतअद्दिद बार हुई है पाकिस्तान में, बैरूनी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी शार्टी में भी गई है? वो पार्टी जो पीटीआई की, जो पहले बहुत पीटीआई की ज्वाइन, पार्टी में भी गई है आप? मैं ये कह रहा हूँ जो आप समझ रही है वो भी ठीक है, नहीं करते। खान साहब बहुत संजीदा इंसान है। आपको खान की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उनकी वफादारी मुल्क के साथ, यूथ को जिस तरह उन्होंने इकबाल की तरह खुदी का दर्श दिया कि उठो उठ के खड़े हो जाओ। बदतमीज नहीं बनाया मैं छोटा हूँ, मुझे पता नहीं चलता। आप ऐसा मत सोचें, खान साहब ने बिल्कुल भी नहीं, खान साहब ने हमें खुद ही सिखाई है दिलेरी से गई, खुद ही या खुद ही का बड़ा मुकाम है। हाँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर मुकाम से, खुद ही को कर बुलंद इतना हाय 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 के हर मकाम से पहले। हस्ती का खुलासा इस जुमले में है, तो खुद ही क्या है, खुद ही पे क्या है? खुद ही मेरी नजर में देखें, इंसान अपने आप को पहचाने कि वो है क्या, उसका मकसद क्या है। तो ये खुद ही किधर होती है? खुद ही इंसान का अपना जमीर है, इंसान के अंदर ही होती है। हाँ, हर एक इंसान का जमीर है इटसेल्फ, मतलब खुद इंसान अपने आप को देखे कि वो है क्या, उसका मकाम क्या, वो दुनिया में क्यों आए, वो गुलाम बनने के लिए नहीं आया, वो गुलामी करने के लिए नहीं आया। आप कितनी दफा थाईलैंड गई? थाईलैंड 4-5 दफा तो गई। आप मतलब वहाँ पे प्रीच करने गई थी? नहीं, मैं तो याशी करने गई, वहाँ पे क्लबिंग देखी, वहाँ के लोगों का। आपने क्या किया? आप बताएं ना, आप क्यों मुनाफ़त कर रही हैं जो आप एक कमरे में करती हैं, बताएं। एक कमरे आप लोगों को भी वही एक्सपोज करती हैं ना, वो जो कमरे की बात है उनके कमरे की है, पर्सनल है। आप अपनी बताएं अगर आप चाहती हैं। याशी बता रही है ना, मैं वहाँ पे, वहाँ के मुझे सबसे ज्यादा बीच वगैरह अच्छे लगते हैं। बीच में जाना अच्छा लगता है या बीच पे समंदर वगैरह और इस तरह बीच वगैरह? तो ये जो गोरे हैं ये समंदर के किनारे को बीच कहते हैं, जिंदा माँ को मम्मी कहते हैं,
जीते जागते बाप को डैड कह देते हैं तो आपको दुख नहीं होता? नहीं, तो मम्मी और डैड उनका वो है, तो मम्मी कहना या डैड कहना आजकल पाकिस्तान भी वही कॉपी कर रहे हैं, मम्मी डैड यहाँ पे भी चल रहे हैं। डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में करेंगे यमन का टीटा हो। आप बताए यमन के टीटे का क्या मतलब? आप हंसी क्यों रहे हैं? आप बहुत शरारती हैं, आपका बहुत दिमाग चलता है। मैं बहुत तेज हूँ, मैं ना बचपन से ऐसा हूँ। नहीं दिल के आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं। ये चुलबुली ये सब कुछ उसके अलावा ख्यालात आपके लिए बहुत साफ हैं, शफाफ हैं। शफाफ हैं, साफ हैं ये। प्लीज जरा थोड़ी सी नजर सानी करें, थोड़ा सा नजर सानी। क्या आप वो नजर सानी तो अब हो भी नहीं सकती, आपकी शादी हो गई है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम है बिलाल शाह। बिलाल, अच्छा आपकी जब वीडियोस वगैरह लीक हुई तो उसके बाद उन्होंने कोई आप पे... मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सबको पता है मैं बेलगाम घोड़ा हूँ। क्या बेलगाम घोड़ा? बेलगाम घोड़ा घोड़ा। तो मतलब आपके हस्बैंड ने आपको कुछ नहीं कहा उस पे? मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता। तो आपको दुख तो हुआ होगा जब अपनी वीडियो लीक हुई होंगी? ऐसा मतलब उस वीडियो में कुछ था भी नहीं, ऐसे ही नहाते हैं सारे वॉशरूम में, तो नंगे ही होके नहाए जाते हैं, कोई आज तक कपड़ों समेत ना आया। अगर एक मतलब कोई बुरी बात नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज भी ऐसे ही घूमते हैं, मैं भी गोरी। तो ये तो लेकिन हमारा तो इस्लामिक कल्चर है ना, हमारा कल्चर वो वाला नहीं है। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आप गलत मुल्क में पैदा हो गई हैं और वहाँ पैदा हुई हैं जहाँ सवाल नहीं पैदा होता? आपकी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? बॉयफ्रेंड मेरे कोई भी नहीं थे, मैं सबके साथ फ्लर्ट करती थी। सियासतदानों में कौन से पागल थे? मैं तो शेख रशीद की बोलूंगी। शेख रशीद साहब वो तो एक दफा प्रोग्राम में भी उन्होंने कॉल उठा ली थी ना आपकी, बकवास। वो तो मुझे कहते थे के हरी मैंने आपसे शादी करनी है। तो आप कर लेती हैं? आपका कितना बड़ा नाम होता मेरा उस हरीम शेख रशीद, और मरने के बाद और बड़ा हो जाना था, हरीम शेख रशीद मरहूम। शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया? शादी से पहले भी बहुत मजा आता था, अभी बहुत मजा आता है। हंसती क्यों है? मैं वैसे भी मतलब कहां गए हो, आपको बहुत मजा यार हंसना मना तो नहीं है ना। लोग आपको धोखा दे देते हैं, आपकी इतनी प्यारी दोस्त थी संदल खटक, कोई उसके किसी ने बाल भी काट दिए थे, वो क्या था? उनको गंजा किया था, गंजा उनके कारनामों की वजह से किया था, खोखर ग्रुप ने के लोगों ने किया था। कौन से खोखर? हमें पूरा नाम नहीं लूंगी लेकिन बस बाल काट दिए थे। हाँ गंजा कर दिया था। तो फिर आपने उसका साथ दिया? मैंने साथ दिया, मैं इसको टर्की लेके गई थी। इसके बावजूद आप ये इल्जाम लगाते हैं उसने आपकी वीडियोस लीक कर दी हैं। आप दरवाजा खोल के क्यों नहाते हैं? नलका बंद करके नहाया करें, जिस्म गीला नहीं होता। अच्छा मैंने देखा था उस वीडियो में बायो अमला को बालों पे लगाया हुआ था आपने। मैं बायो अमला जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। बड़ा गंदा सा शैम्पू लग रहा था, झाग ज्यादा सर के ऊपर। आप लंबे बालों पे तो झाग बनती भी है। तो हर शैम्पू में झाग होती है क्या? बायो अमला आयोडेक्स लगाया करें आप। आयोडेक्स। चाहत फतेह अली खान के साथ अगर कुछ जिंदगी में कोई एक मूवी बनाने का मौका मिले और रोमांटिक सीन हो तो किस तरह का हो? मेरे ख्याल में वो एक एंटरटेनर है और आप भी एक एंटरटेनर ही। हाँ, एंटरटेनर है। अगर कोई रोमांटिक सीन उनके साथ आ जाता है, रोमांटिक सीन में मुझे बोले बिलाल के साथ कौन सा करेंगे तो मुझे समझ में, मैं चाहत फतेह अली खान के साथ, अब मेरा ये रोमांस रह गया जाके चाहत फतेह अली के साथ जाके रोमांस। इतना प्यारा है। उसने असल में ना वो तराना गलत कर दिया, वो तराना आप पे था। ये जो डंडा है इसमें झंडा है, वो असल में वो झंडे पे ले गया, तो वो असल में गाना आप पे था। ये फ्लर्ट करके लोगों को धोखा देके कितने पैसे कमा लेते हैं? अरबों से याद आया, आप दुबई भी गए थे, बुर्ज खलीफा और ये सारे मतलब आप जाती आती दुबई में। तो मैंने एज अ ब्रांड एंबेसडर कंपनीज के साथ काम किया था, अरबियों की ब्रांड एंबेसडर। अरबियों के कोई से तीन फायदे? अच्छे लोग हैं, एक हो गया, बाकी दिल आ जाते हैं तो उनके साथ बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा मतलब और तीसरा फायदा? बहुत खुले दिल के मालिक हैं। खुले दिल आप कितना अरसा रही हैं दुबई? दुबई में मैं 4-5 साल तो स्टिल रही हूँ। सोती कब थी? टाइम पे। कितने बजे? यार टाइम पे सोती थी, जब नींद आ जाए सो जाती हूँ। मतलब मोस्टली दिन में ही सोती थी या रात में? जब भी दिल करे मेरा, मोस्टली क्योंकि गर्मी बड़ी होती है दिन में। नहीं हमारी गर्मी नहीं लगती, हमारे अंदर एसी लगा हुआ है, ठंडा। हाँ ठंडा कर लेते हैं। लोगों के घरों में गीजर लगवा के खुद आपने एसी लगवा ली है, तो ये खुला तो ज़्यादा नहीं है? खुला तो ज़्यादा क्यों है ना, लोग गर्म हो ना कुछ और भी सोच ले। हरीम शाह कोई ऐसी बात बता दे जो आज तक उसने नहीं की किसी के साथ। मुझे पाकिस्तान के अंदर के ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं, अगर उनको मैं रिवील कर दूँ या शो कर दूँ
तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बड़े नाम है। हाँ, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है। और ये मौजूदा सेटअप में या पिछले सेटअप में थे, आपको लगता है बस पाकिस्तान को यही चला रहे हैं? हरीम की शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। हस्बैंड की सबसे अच्छी चीज? अपने काम से काम रखते हैं। तेरा बंदा तेनु पूछदा मांगदा? हर एक इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है हरीम? मैं पूरी 12। हां 12 कर रही।